तो बात बिगड़ जाएगी। देखें दोस्तों ये वाइब्रेशन होता है, ऐसे ही रखें इसको। वाह 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 वाह, क्या कहने दोस्तों। देखें आप, आपको वीडियो कैसी लगी और राम अवतार जी के कबूतर कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए तो दोस्तों आपको आज हम शौक करवाएंगे राम अवतार जी के यहाँ। बहुत टाइम बाद मैं आपको शौक करवा रहा हूँ राम अवतार जी के यहाँ। टोंक के अंदर आप शौक करेंगे राम अवतार जी के जो पुराने कबूतर हैं, उन कबूतरों का मैं आपको शौक करवाऊँगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टोंक पिजन्स। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, मैं टोंक में शौक कराता आया हूँ आप सभी लोगों को और यहाँ पर पुरानी नस्लों का। तो राम अवतार जी के यहाँ मैंने 2.5-3 साल पहले शौक करवाया था जब मैंने ये काम शुरू किया था। तो राम अवतार जी के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं, पुरानी नस्लों के कल्सर हैं जिनका मैं आपको आज शौक करवाने वाला हूँ। तो उन्हीं कल्सर कबूतरों के अंदर सुर्ख कबूतर जो हुआ करते थे, पीले सुर्खे कहते हैं हमारे यहाँ पर, पीले पड़ते लेकिन हैं सुर्खी, आप उनको सुर्खी कह सकते हैं, छापदार सुर्ख भी कबूतर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इनका एक का मैं आपको शौक करवा देता हूँ और उसके बाद राम अवतार जी हमें अपने कबूतरों का शौक करवाएंगे। क्यों राम अवतार जी कराएंगे? आपकी बड़ी बहुत डिमांड रही राम अवतार जी आपके यहाँ। मैंने पहले शौक करवाया था, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि राम अवतार जी का नंबर दे, मैंने आपका नंबर भी दिया। तो आपके पास फ़ोन भी आए होंगे शायद, ये मादा है जी, मादा है। तो मैं एक बार ये शौक करा देता हूँ जोड़े का। ये पेयर बहुत प्यारा पेयर है, ये पेयर बहुत प्यारा पेयर है। और इसी के साथ मैं आपको जो इस जोड़े का भी शौक करवा देता हूँ और बाकी के 2-3 जोड़े जो हैं हमारे भाई उनका आपको शौक करवा देंगे। ये देख सकते हैं आप, चलिए तो दोस्तों राम अवतार जी हमें शौक करवाएंगे माशाल्लाह। राम अवतार जी के आप पहले भी शौक कर चुके हैं, तकरीबन 2.5-3 साल पहले मैंने आपको शौक करवाया था यहाँ के जो कबूतर हैं इनके पास और इनके वालिद साहब के ज़माने के जो इन्होंने संभाल कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं ये टोंक के किंग साइज़ के कद्दावर साइज़ के जो गहरे कबूतर हैं उनका आप शौक कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ गहरे कबूतरों के नाम से पहचाने जाते हैं और सब ओरिजिनल ब्रीड के ऊपर ये कबूतर हैं। राम अवतार जी इसका नर का शौक करवाएं, मादिन पकड़ा दें भाई को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये इनकी आँख होती है, ओरिजिनल जो पीली बीत के कबूतर होते थे ये आज भी वो नस्लें हैं और टोंक के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगी। और जयपुर टोंक पिजन्स चैनल के ऊपर ही आपको ऐसी पुरानी नस्लें देखने को मिलती आई हैं और मिलती रहेंगी। तो आपने देखा ये कितना प्यारा कबूतर, बहुत बढ़िया साहब। राम अवतार जी परकैंच ही होगा जी, परकैंच दिखा दें फिर भी, इधर ला के दिखाएं इसको। बस परकैंच। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जोड़ों वाले कबूतर हैं जैसा कि मैं आपको दिखाता आया हूँ, उड़ान के कबूतर अलग और टोंक के अंदर जो आप देखते आए हैं कबूतर जो उड़ान के जो ब्रीडिंग पेयर्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर लोग परकैंच रखते हैं ताकि वो भराई वगैरह अच्छी देते हैं अपने बच्चों को, इस वजह से ये इस तरीके का ये सेटअप बना के रखते हैं। और इसके पीछे ये पूरा कोठरी हमारे यहाँ कहते हैं, इसके अंदर पूरे कबूतर ही कबूतर हैं। इससे पहले आपने देखा था पीला जोड़ा और ये कल्सरा आपने जोड़ा देखा, ये नर देख रहे हैं आप कल्सरे का, बहुत ही बेहतरीन, आपको मज़ा आ जाएगा। छोड़ दें रामस्वरूप जी इसको, राम अवतार जी बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और बेमिसाल आप देख रहे हैं नर। इसके साथ जो मादा लगाई हुई है वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ।
चलिए तो दोस्तों ये आपको मादा का मैं शौक करवा देता हूँ। राम अवतार जी के यहाँ माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन पेयर राम अवतार जी ने लगाया हुआ है। ये देख लें आप, ये मादा लगाई हुई है, ये आपने मादा की आंख देखी, और मैं ये आपको जोड़ा छोड़ के दिखा देता हूँ। बहुत बेहतरीन। चलिए तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ राम अवतार जी के आप शौक कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म के कबूतर यहाँ पर। तो दोस्तों आप शौक कर रहे हैं राम अवतार जी के यहाँ, और बहुत ही बेहतरीन कबूतर राम अवतार जी, ये आपके यहाँ पुराने टाइम से, जैसा कि आपने हमें बताया शुरू में कि ये आपके वालिद साहब का शौक से चलता रहे, और आप यही कलर से शौक है ज़्यादा करके इसी से। और राम अवतार जी हम भी यही चाहते हैं कि आप ये शौक रखें दूसरे की तरह, मतलब अगर कोई दूसरे कबूतर रख रहा है जैसे भूरे बाजरे का कोई शौकीन है तो वो भूरे बाजरे ही रखे, तो आपको ये शौक है तो आप दूसरे को देख के अपना शौक थोड़ी चेंज करने वाले नहीं, यही क्योंकि आपकी एक पहचान इसी से है। और मैं हर एक आदमी से यही कहता हूँ कि उसकी अपनी पहचान जो है उसके कबूतरों से है, और वो अपनी पहचान बनाए रखे, ये नहीं कि आज ये और कल वो, परसों वो, पल्ले रोज वो, आजकल यही चल रहा है ना। चल रहा है लोग, मतलब एक भेड़ चाल वाली जो बात होती है एक के पीछे लग जाते हैं तो वो उसी के पीछे, क्योंकि ये ऐसी नस्ल है कि अपने आप के अंदर ये नस्लें भी कभी नहीं मिलती, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। तो हर आदमी अगर यही सोचेगा कि मुझे एक जैसे रखने हैं, उसके पास वो हैं तो मैं भी वही रखूँगा, तो बात बिगड़ जाएगी। देखें दोस्तों ये वाइब्रेशन होता है, ऐसे ही रखें इसको। वाह 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 वाह, क्या कहने दोस्तों। देखें आप, ये होती हैं ब्रीड्स। तो ये आँख आप देख सकते हैं बिल्कुल सच्ची आँख, इसको कहते हैं ईमानदारी से, कोई मिलावट नहीं, कोई मेल नहीं पुरानी नस्लों के ऊपर, लाजवाब और बेमिसाल किस्म का कबूतर आप देख रहे हैं राम अवतार जी के यहाँ टोंक के अंदर। इसके साथ जो मादा लगाई हुई है उस मादा का राम अवतार जी शौक करवाए। ये देखें आप, क्या मादा का वजूद, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब किस्म के कबूतर आप देखते आए हैं जयपुर टोंक पिजन्स चैनल के ऊपर। ये देख लें आप इसकी भी आँख, वाह 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 वाह, क्या कहने साहब। इसी के साथ ये मादा को छोड़ के मैं जो राम अवतार जी के पास कबूतर हैं उन कबूतरों का आपको शौक करवा दूंगा। आपने जो शौक किया है, एक पीले जोड़े का मैंने आपको शौक करवाया था, और ये आप कलसरे देख लें टोंक के, पुरानी नस्लों के कबूतर आप देख रहे हैं जयपुर टोंक पिजन्स चैनल के ऊपर। और दोस्तों अगर आपको इनके बच्चे चाहिए पालने के लिए तो आप राम अवतार जी से ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन साहब। आप क्या लाजवाब पेयर, बहुत ही बेहतरीन साहब। तो राम अवतार जी के कबूतर हैं, उन सारे कबूतरों का आपको शौक करवा देता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर शौक करके। राम अवतार जी के यहाँ ब्रीडिंग पेयर आप देख रहे हैं, बहुत ही उम्दा लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर पुरानी नस्लों के, और ये सारे पेयर्स हैं जोड़ों वाले कबूतर हैं राम अवतार जी के यहाँ, जो कि आप मांग के शर्मिंदा ना करें, और इनके जो बच्चे होंगे वो आप राम अवतार जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे ले सकते हैं, और वो भी टोंक आकर, ये नहीं कि फ़ोन के ऊपर साहब दिखा दो। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साबरी को इजाज़त दें, और आपको वीडियो कैसी लगी और राम अवतार जी के कबूतर कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।